हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू अभी क्लासेस। दिस इज आवर इंग्लिश क्लास। आज हम लोग क्लास 9 के बुक बिहेव इंग्लिश टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 6 पोयम नो मैन आर फॉरेन के समरी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस पोयम के जो पोइट हैं वो है जेम्स करकप। पोइट इस पोयम के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि हमें दूसरे कंट्री के लोगों से नफरत नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वो ब्रदरहुड को अपनाने की बात कर रहे हैं, भाईचारा करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि हम सब लोग एक ही जैसे हैं, कोई भी अलग नहीं है। तो पोयम को रीड करते हैं। रिमेम्बर नो मैन आर स्ट्रेंज नो कंट्रीज फॉरेन। वो बोलते हैं याद रखो कोई भी मैन कोई भी इंसान जो है वो अजनबी नहीं है और दूसरे कंट्री के जितने भी लोग हैं वो फॉरेन नहीं है, मीन्स सब हम लोग एक ही हैं। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ लाइक आर्स। ठीक है, और हर देश का जो मीन्स मिलिट्री होता है, ठीक है, आर्मी होता है, तो हर यूनिफॉर्म के पीछे एक जान है, एक बॉडी है जो हमारी ही तरह सांस लेता है। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल डाई। ठीक है, और ये जो लैंड है, ये जो अर्थ है, जैसे हम लोग चलते हैं वो भी इसी पे ही चलते हैं, तो फिर अलग अलग कैसे हुए हम लोग? ठीक है, हम लोग तो सब एक ही हुए ना। ठीक है, और इसी अर्थ में, ठीक है, और लास्ट में हम लोग भी इसी तरह एक दिन मर जाएंगे और इसी मिट्टी पे इसी अर्थ में लेट जाएंगे। ठीक है, मिल जाएंगे, हमारा इसी में ग्रेव होगा। तो उसी तरह बाकी लोगों का भी इन्हीं में होगा। तो वो ये बता रहे हैं कि हम में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है, जैसे वो लोग भी धरती पर चलते हैं हम लोग भी वैसे ही चलते हैं, तो हम लोग कोई भी अलग फॉरेनर नहीं है, हम लोग सब एक ही हैं। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर। ठीक है, बोल रहे हैं कि वो लोग को भी, दे बोला जा रहा है दूसरे कंट्री के लोगों को, ठीक है, कि वो लोग भी हमारी ही तरह क्या करते हैं, सन से सनशाइन लेते हैं, सन से रोशनी लेते हैं, हमारी ही तरह एयर लेते हैं, वाटर लेते हैं। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड। अब जब हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी फसल होती है तो हम भी आराम से खाते हैं, उनके यहाँ भी वैसे ही जब बहुत अच्छी फसल होती है तो वो भी आराम से खाते हैं, और जब वॉर हो जाती है किसी भी कंट्री के बीच, दोनों कंट्री के बीच में, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक को फायदा होता है, दोनों ही सफर करने लगते हैं, दोनों को ही प्रॉब्लम्स होने लगता है, और उस वॉर में जो विंटर्स होती है वो भूखे प्यासे हर जगह के लोगों को काटनी पड़ती है। देयर हैंड्स आर आर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। अब जैसे हमारे हाथ है, ठीक है, वैसे उनके भी है, हमारे हाथों में भी लकीर है, उनके हाथों में भी लकीर है। जैसे हम लोग हमारे हाथ के लकीरों को पढ़ते हैं, उनके भी हाथों को लकीरों को पढ़ा जाता है। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि कोई भी हमें डिफरेंसेस नहीं है, हम भी अगर किसी काम के लिए मेहनत करते हैं उसी प्रकार से वो लोग भी उसी काम के लिए मेहनत किया करते हैं। रिमेम्बर दे हैव आईज लाइक आर्स दैट वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव। अब वो बोल रहे हैं कि याद रखो जैसे हमारे पास आंखें हैं उनके पास भी आंख है। ठीक है, वो भी देखते हैं। ठीक है, वो भी आंखें जागती हैं जैसे हम लोग जागते हैं, हमें भी नींद आती है उन्हें भी नींद आती है। जैसे हमारे पास स्ट्रेंथ है उनके पास भी स्ट्रेंथ है, और वो जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, वो सिर्फ प्यार के द्वारा ही जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। अब बोल रहे हैं हर जगह एक चीज कॉमन है, वो क्या है? लाइफ मतलब क्रिएचर, ठीक है, लिविंग क्रिएचर, लिविंग बींग। ठीक है, हर जगह हम लोग देखते हैं कि हर इंसान में या कोई भी चीज है उसमें जान है। ठीक है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो भी वैसे ही करते हैं, और सभी लोग एक दूसरे को पहचानते हैं और समझते हैं। लेट अस रिमेम्बर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स इट इज आवर सेल्फ। अब वो बोलते हैं कि याद रखो जब भी हमें कहा जाता है कि दूसरे लोगों को क्या करो, नफरत करो, मतलब कि दूसरे कंट्री के लोगों को नफरत करो, ये कब होता है? जब हम लोग वॉर करने लगते हैं। ठीक है, कि हमें उनके साथ वॉर करना है, तो जब भी हमें ऐसा कहा जाता है टू हेट आवर ब्रदर्स, ये ब्रदर्स कहा जा रहा है दूसरे कंट्री के लोगों को, इट इज आवर सेल्फ, तो वो सब हम उनके साथ नहीं, हम अपने साथ ही करते हैं। दैट वी शैल डिस्पोज बिट्रे कंडेम। रिमेम्बर वी हु
टेक आर्म्स अगेंस्ट इच अदर। अब हम लोग क्या करते हैं, जब ऐसा काम करने लगते हैं, नफरत करने लगते हैं, तो हम लोग सामने वाले लोगों से क्या करते हैं, बहुत चीज छीन लेते हैं, उन्हें बहुत चीजों से वंचित कर देते हैं, ठीक है, उन्हें धोखा देते हैं और उनका बुराइयां करने लगते हैं। तो जब हम किसी का इस तरह से करेंगे तो सामने वालों को भी अगर कहा जाएगा कि हेट करो तो वो भी हमारे साथ ही ऐसा ही करेंगे। इसलिए जब भी हमें कहा जाए तो हमें हेट नहीं करना है। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट इच अदर। और हम लोग को कहा जाता है कि मिस वॉर करने लगो, एक दूसरे के ऊपर बंदूक तान दो, ठीक है, वेपन्स को तान दो, हथियार उठा लो एक दूसरे के लिए, तब क्या होता है, इट इज द ह्यूमन हर अर्थ दैट वी डिफाइल आवर हेल ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस। अब जब हम ऐसा करते हैं, जब वॉर के लिए हम लोग क्या करते हैं, बंदूकें तान देते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, उससे क्या होता है, हर जगह गुस्सा ही गुस्सा फैल जाता है, नफरत फैलने लगती है, जिससे क्या होता है, हम लोग हर चीज को अशुद्ध कर देते हैं, इस धरती को अशुद्ध करने लगते हैं। ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ऑन, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। तो इससे क्या होता है, हम लोग वातावरण को, एयर को दूषित करते हैं, गंदा करने लगते हैं। अब एयर जो है वो सिर्फ हमारे लिए ही तो है नहीं, वो सभी के लिए है। तो अगर हम यहाँ गंदा करेंगे तो ऑफकोर्स है कि ये हमें भी इससे नुकसान होगा और दूसरे लोगों को भी इससे नुकसान होगा। अब वो लास्ट में बोलते हैं कि याद रखो, कोई भी आदमी जो है, कोई भी इंसान जो है वो फॉरेनर नहीं है, मीन्स फॉरेन नहीं है, मीन्स कोई भी अलग नहीं है, हम लोग सब एक ही है। एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, और कोई भी कंट्रीज अजनबी नहीं है, कुछ कंट्री वगैरह नहीं है, ठीक है, हम लोग कोई बाउंड्री शेयर नहीं करते, हम लोग सब लोग एक ही जैसे हैं, ठीक है। तो इस पोयम के माध्यम से पोइट यही कहना चाह रहे हैं कि हमें नफरत नहीं करना चाहिए, दूसरे लोगों को अलग नहीं मानना चाहिए, हम लोग सब लोग एक ही हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ लिटरेरी डिवाइसेस की। तो इसमें यूज हुआ है एलिट्रेशन, सेम लेटर्स और साउंड यूज्ड एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर। अब कोई भी वर्ड है, ठीक है, जब उसका बिगनिंग होता है, मीन्स एक ही लाइन में हम लोग देखते हैं, अगर कोई कुछ वर्ड्स हैं वो लोग एक ही वर्ड, एक ही लेटर से या एक ही साउंड से जब वो स्टार्ट होते हैं और उनके बीच में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए या फिर वो लोग ज्यादा क्लोज होने चाहिए, तो वो एलिट्रेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ, बॉडी ब्रीथ, दोनों वर्ड जो है बी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे बी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट है, आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, वॉर्स विंटर, दोनों वर्ड डब्ल्यू साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन, अब स्लीप स्ट्रेंथ दोनों एस साउंड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एस साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेटाफर, यूज्ड टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट आरंट अलाइक बट डू हैव समथिंग इन कॉमन। अब बोल रहा है दो चीज के बीच में हम लोग तुलना करते हैं, वो चीजें क्या है, अलग अलग है बट उसमें कुछ ना कुछ हम लोग सिमिलैरिटी देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म अ सिंगल बॉडी ब्रीथ। अब यहाँ जो यूनिफॉर्म है वो हम लोग इसका कंपेरिजन किससे कर रहे हैं, वो हम लोग मिलिट्रीज से कर रहे हैं, मतलब यूनिफॉर्म मतलब ये हुआ कि कोई कपड़े नहीं है, यहाँ यूनिफॉर्म का मतलब है कि वो आर्मी, ठीक है, मिलिट्री, उसको हम लोग कह रहे हैं। सेकंड है, आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड। अब यहाँ पे हम लोग वॉर जो है उसको हम लोग किससे कंपेयर कर रहे हैं, तो विंटर से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कि जैसे वॉर में भी हमें क्या होता है, खाने पीने का दिक्कत होता है, और विंटर में भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है रिपीटेशन, वर्ड और फ्रेज इज रिपीटेड टू और मोर टाइम्स। अगर कोई वर्ड या फिर फ्रेज, ठीक है, दो से अधिक बार या दो बार रिपीट होता है तो उसे हम लोग रिपीटेशन का एग्जाम्पल बोलेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं रिमेंबर, रिमेंबर इस पोयम में बहुत बार रिपीट हुआ है, मीन्स 5 times रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है एक लाइन जो दो बार रिपीट हुई है, वो क्या है, फर्स्ट स्टैंजा में हम लोग देखते हैं रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। अब सेकंड स्टैंजा में है रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज नो कंट्रीज फॉरेन, बस रिवर्स हो गया, फॉरेन के जगह पे स्ट्रेंज और स्ट्रेंज के जगह पे फॉरेन, ठीक है, तो ये दो लाइन
रिपीट हुई है 2 times, तो ये भी रिपीटेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसमें एंजैबमेंट, कंटिन्यू अ लाइन ऑन द नेक्स्ट लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन। अब एंजैबमेंट क्या होता है, अगर कोई लाइन सेकेंड लाइन में भी या थर्ड लाइन में भी कंटिन्यू रहती है विदाउट एनी पंक्चुएशन, अगर उसमें कोई भी पंक्चुएशन बीच में नहीं आती, तो इसे हम लोग एंजैबमेंट का एग्जाम्पल बोलेंगे। जैसे हम लोग स्टैंजा 1 में देखते हैं, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज नो कंट्री इज फॉरेन। अब ये जो नो कंट्री इज फॉरेन है, इसके बाद कोई पंक्चुएशन नहीं है, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स उसके बाद यहाँ पंक्चुएशन आया, फिर है ए सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, उसके बाद कोई पंक्चुएशन नहीं है और ये कंटिन्यू होती है, लाइक आर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपन, यहाँ पे भी कोई पंक्चुएशन नहीं है, इज अर्थ लाइक दिस, अब यहाँ पे कोमा आया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट स्टैंजा में लाइन 2, 3 और 4 में एंजैबमेंट का यूज हुआ है। अब स्टैंजा 2 है, लाइन 3 और 4, देयर हैंड्स आर आर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड। अब यहाँ पे कोई पंक्चुएशन नहीं है, ये लाइन कंटिन्यू होता है फोर्थ लाइन में भी, अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। तो सेकेंड स्टैंजा में भी लाइन 3 और 4 में एंजैबमेंट का यूज हुआ है। थर्ड स्टैंजा है लाइन 1, 2 और 3, इसमें हम लोग देखते हैं लाइन 1, रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आर्स दैट वेक, यहाँ पे कोई पंक्चुएशन नहीं है। सेकेंड लाइन, आवर स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन, ठीक है, फिर यहाँ पे भी कोई पंक्चुएशन नहीं है। थर्ड लाइन है, बाय लव इन एवरी लैंड्स इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टूड, ठीक है, ये भी थर्ड लाइन भी फोर्थ लाइन में ही चल रही है, इसमें भी कोई पंक्चुएशन नहीं है लास्ट में। तो ये हो जाएगा थर्ड स्टैंजा का 1, 2 और 3 लाइन में एंजैबमेंट यूज हुआ है। फोर्थ स्टैंजा है लाइन 1 और 2, फोर्थ स्टैंजा में है लाइन 1, लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड, यहाँ कोई पंक्चुएशन नहीं है। सेकेंड है, टू हेट आवर ब्रदर्स इट इज आवर सेल्व्स, मीन्स फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन तक कंटिन्यू हो रही है, उसके बाद थर्ड लाइन में फुल स्टॉप आ गया है। हम लोग देखते हैं फोर्थ स्टैंजा में लाइन 1 और 2 में एंजैबमेंट का यूज हुआ है। अब स्टैंजा 5 में हम लोग देखते हैं लाइन 2 और 3 में एंजैबमेंट का यूज हुआ है, कैसे। सेकंड लाइन है, आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस, यहाँ पे कोई पंक्चुएशन नहीं है। उसके बाद ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, अब फुल स्टॉप आया है। तो ये लाइन सेकेंड जो है थर्ड लाइन तक कंटिन्यूअसली चल रही है। तो हम लोग देखते हैं एंजैबमेंट सारे स्टैंजा में यूज हुए हैं। अब बात करते हैं राइम स्कीम की, तो इस पोयम में कोई भी राइम स्कीम नहीं है, ये फ्री वर्स में लिखी गई है। तो ये था पोयम, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप इसे लाइक करें एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम लोग इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियोस बाकी सब्जेक्ट्स के भी लाते रहते हैं। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग।